बच्चों, आज हम पद्य खंड में कविता एक फूल की चाह करने वाले हैं और इस कविता के कवि हैं सिया राम शरण गुप्त जी। बच्चों, सिया राम शरण गुप्त जी जो कविताएं लिखते थे वो अक्सर सामाजिक कृतियों पर ही कविताएं लिखते थे और देश की समस्याओं पर भी उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। साथ के साथ इन कविताओं के द्वारा उन्होंने देश में फैली जाति पाति, छुआछूत, इन सभी समस्याओं को बहुत ही अच्छे से उजागर किया है। तो इस कविता में कवि ने समाज में फैली हुई छुआछूत की समस्या को गहराई से उभारा है। जो ये एक फूल की चाह कविता है और इस कविता के अंदर सिया राम शरण जी ने छुआछूत जो है उसके बारे में बहुत ही अच्छे से इस समस्या को हमें समझाया है, बताया है। और इस कविता के अंदर क्या है, महामारी से पीड़ित एक कन्या है सुखिया और उसी के निराश पिता हैं और साथ में भगतजन और इनके बंधु भी हैं। तो इस प्रकार बच्चे देखिए, सबसे पहले हम इनके कठिन शब्दों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि प्रचंड, जैसे कि तीव्र, क्षीण कमजोर, रुदन रोना, रव शोर, तनु शरीर, ग्रसना निगलना, सरसिच कमल, शुचिता पवित्रता, परिधान वस्त्र। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस कविता के अंदर जो कुछ कठिन शब्द हैं इनके आधार पर इस कविता का सारांश मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि सिया राम शरण जी ने मैंने बताया कि इस कविता में छुआछूत के बारे में हमें बहुत अच्छे से इस समस्या के बारे में बताया है। कोई एक जो कन्या है, एक पीड़ित कन्या जो महामारी से पीड़ित है, वो है सुखिया। सुखिया एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपने पिता से एक देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल की चाह करती है और जो बीमार है और बीमारी से वो ग्रस्त पड़ी हुई है। तो पिता है जो गरीब है और गरीब अवस्था में उसकी चाह को पूरा करने में असमर्थ है। तो वो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक इसी बारे में सोचता है कि उसकी जो ये इच्छा है, फूल की जो इच्छा है उसकी, वो पूरी करना चाहता है और उसी की इच्छा को पूरा करने के लिए वो मंदिर की तरफ चल पड़ा। तो इस प्रकार से वो मंदिर में अपनी बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए, फूल लेने के लिए, फूल जो है प्रसाद के रूप में लेने के लिए मंदिर की तरफ चल पड़ा। तो मंदिर में जाने पर उसने जो पंडित से प्रसाद लिया, प्रसाद लेने के साथ साथ फूल को भी उसने प्राप्त कर लिया, लेकिन जल्दी ही वो लोगों की नज़र में आया कि इसने तो मंदिर की जो पवित्रता को है वो कलंकित, मंदिर की पवित्रता को पिता ने कलंकित कर दिया। तो इस प्रकार लोगों ने उन्हें मारा पीटा और सारा प्रसाद जो है वो सुखिया के पिता का नीचे गिर गया और उस पर ये आरोप लगाया गया कि उसने मंदिर की पवित्रता को कलंकित कर दिया है और जेल में भेज दिया गया। तो 7 दिन के कारावास में पिता को वहां पर रहना पड़ा और उसे एक एक दिन जो है वो सदियों के समान लग रहा था। कारावास जाने के बाद जब सुखिया के पिता वापिस आए तो उन्होंने क्या देखा कि घर में उनकी जो बच्ची सुखिया वो नहीं उसने पाई। तो भाई बंधुओं ने जो उसकी मृत बेटी का जो है वो दाह संस्कार कर दिया था। तो इस प्रकार जो पिता था वो अपने बेटी की जो अंतिम इच्छा थी, ये देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल की इच्छा, वो पूरी नहीं कर पाया। तो इस प्रकार हमने बच्चों देखा कि सियाराम गुप्त जी ने यहाँ पर हमें छुआछूत के द्वारा बताया है कि एक पिता की जो एक मार्मिक दशा, कि वो अपने पिता की जो उसके बच्ची की जो अपनी इच्छा थी उसको पूरी नहीं कर पाया। तो इसका एक ही कारण था कि वो अछूत था और छोटी जाति का था, तो उसको मंदिर में प्रवेश करना भी वर्जित था। तो इस समाज में इस प्रकार की जो है सामाजिक बुराइयां नहीं होनी चाहिए, छुआछूत का भेद जो है वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।